झारखंड में दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज भी विभिन्न जो राज्यों से आए हुए आदिवासी जनजाति समूह के लोग हैं वो अपने अपने नृत्य संगीत और अलग अलग जो चीजें हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कई लोग मौजूद है जो त्रिपुरा से आए हुए। कैसा लगा आप लोगों को झारखंड पहले ये बताइए। खूब अच्छा लगा दादा, इतना बड़े पैमाने पर महोत्सव होता है यहाँ पर, देखा जाता है कि देश में शायद ही एक दो जगह ऐसा है जहाँ आदिवासियों को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा करना ही चाहिए। जो आप यहाँ का सरकार कर रहा है बहुत अच्छा फील कर रहा है। एक तरह से आदिवासी कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन बीता है, वो पूरी दुनिया आप देख रही है। हाँ वो तो देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग त्रिपुरा का जो आदिवासी है, हम यहाँ पर आया था मामिटा परफॉर्मिंग करने के लिए, हमारा परफॉर्मेंस हो चुका है तो हमको भी चांस मिला है यहाँ पर हमारा त्रिपुरा का आदिवासियों को डांस देखने के लिए। इसलिए यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो कार्यकर्ता है, उन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। ऐसा और कहीं परफॉर्म आप लोग किए हैं या इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ है? हाँ, इससे पहले झारखंड पहुंचे थे? हाँ, अभी सेकंड बार। सेकंड टाइम। आपको झारखंड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है झारखंड। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्यार भी दे रहा था। तो देखिए, साफ तौर पर अगर दिखाया तो इनका जो परिधान है, जो परंपरा है, वो दिखाने की कोशिश है और अलग अलग जो 32 जनजातीय समूह के लोग हैं वो रांची पहुंचे हुए हैं और रांची में आदिवासी महोत्सव में भाग लेकर अपने अपने जो नृत्य संगीत और परंपरा है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर और भी दिखाए, इसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं? हम इसको सर रीब्रोक, हम लोग को भाषा में रीब्रोक बोलते हैं। ये त्रिपुरा का स्पेशल है? त्रिपुरा का स्पेशल है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, तोला जो होते है ना, जो बनाया जाता है। बनता किस चीज से? हाथ से बनाते हैं सर। हाथ से? हाँ, लेकिन वो तो मशीन का है, ओरिजिनली हाथ से भी, हाथ से भी बनाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ परफॉर्म किए, कैसा लगा? हाँ, तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा। हम चाहेंगे अगले साल भी ऐसे मौका मिले, बुलाया हम लोगों को बस। अपना जो कला है वो पूरी दुनिया को दिखाने का मौका, एक बड़ा स्टेज मिल रहा है। वो तो हम जरूर थैंक यू या धन्यवाद कहेंगे कि झारखंड सरकार और TRI डिपार्टमेंट को, उन लोगों के अफसर की वजह से भाग लेने का मौका मिला हम लोगों को। और हम तो हर आदिवासी चाहते हैं कि उनका खुद का जो कल्चर है वो प्रमोट हो, सब जाने, वही तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा। अच्छा, झारखंड में और वहाँ में कितना अलग अलग है, मतलब बदलाव आदिवासी की परंपरा में? अलग अलग मतलब हम जिस आदिवासी जिस जगह में रहते हैं सबके आदान प्रदान तो सब ठीक ठाक रहते हैं, सब मिलजुल तो एक ही होते हैं। लेकिन झारखंड में आकर और भी अच्छा लगा कि यहाँ का जो हम लोग को जो वो आमंत्रण किया, देखभाल किया, बहुत अच्छे से हम लोग को रखा जगह में, खाना वाना सब ठीक तरह से खिलाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही दिलदार है। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे। मैम एक मिनट, ये जो आप गला में सिक्के का हार पहने, इसको क्या बोलते हैं? इसको चंद्रहार बोलता है, इसको रंग बतंग बोलता है। चंद्रहार और रंग बतंग। अच्छा, कैसा लगा झारखंड? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने परफॉर्म काफी बढ़िया किया। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग का गाली आ गया। तो देखिए, झारखंड के लोगों को थैंक यू बोल रही है कि इस तरह का भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ और मौका मिला कि आदिवासी कल्चर परंपरा जो है उसे पूरी दुनिया के सामने रखे। झारखंड एक मंच तमाम ट्राइबल आदिवासियों को दे रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आदिवासी जंगल में कैसे रहते हैं, कैसा उनका पहनावा होता है, जो जल जंगल जमीन के असली मालिक है, जिन्होंने पर्यावरण को संजो कर रखा है, उनके तमाम कलाकृति और कल्चर को पूरा देश ही नहीं अब दुनिया भी देख रहा है। और झारखंड उसकी एक बानगी है कि झारखंड इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम के आयोजन कर तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और एक मंच पर तमाम 32 जनजातीय समूह को लाकर दिखा रहा है कि आदिवासी भले ही अलग अलग इलाके में रहते, अलग अलग कोने में रहते, जंगल में रहते, लेकिन कैसे रहते वो आप देखिए और क्या पहनते हैं, क्या खाते, तमाम चीजों को बता रहा है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी सर रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।